नींदोई की पंचायत मोहम्मद अलीपुर भिक्कन के अंदर भरा है घरों के सामने गंदा पानी। इस गंदे पानी में को लोग निकलने के लिए मजबूर हैं। जिधर देखो उधर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिधर देखो उधर गंदा पानी भरा पड़ा है। बावजूद इसके नहीं है प्रधानों को कोई भी फिक्र और नहीं लोगों की जान की कोई फिक्र है। इसी गंदगी के कारण बीमारी फैल रही है। बावजूद इसके किसी अधिकारी को आम आदमी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। यही नजारा आपको देखने को मिल जाएगा नींदड़ो की पंचायत मोहम्मद अलीपुर भिक्कन के अंदर, जहां घरों के सामने गंदा पानी भरा हुआ है, जहां के लोग उस गंदे पानी में को निकलने के लिए मजबूर है। उस गंदे पानी से तमाम बीमारी फैल रही है जो जानलेवा साबित हो सकती है। कई मरतबा शिकायत करने के बावजूद भी इस नाले का या इस पानी का की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जबकि मासूम बच्चों पर इसका कहर देखने को मिल रहा है। अपने घरों में या घरों के बाहर खड़े तक नहीं हो सकते। मोहल्ले वासियों ने इसकी शिकायत नगर कई मरतबा प्रधान से की, लेकिन कई मरतबा शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों ने सुध नहीं ली। कई मरतबा शिकायत के बाद भी नहीं हो पा रहा है कोई भी इस नाले का निस्तारण, नहीं हो पा रही है इस सड़क की कोई व्यवस्था। जहां एक तरफ स्वस्थ भारत चलाया जा रहा है, उस स्वस्थ भारत में आपने आपको देखने को मिल जाएगी मोहम्मद अलीपुर भिक्कन की पंचायत में कि जहां लोग खड़े हैं ये आप सोच रहे हैं कि तालाब है, ये तालाब नहीं, ये सिर्फ एक रास्ता है। उस रास्ते में इस कदर गंदा पानी भरा हुआ है कि लोग उसी गंदे पानी में को निकलने के लिए मजबूर हैं। और इस गंदे पानी की वजह से बच्चे और बुजुर्ग इसी तरीके से बीमार पड़ रहे हैं और डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं। आम पब्लिक जाए तो जाए किसके पास, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ना ही नाले अब तक कोई इस नाले का निस्तारण हो पाया है। इसी को कहते हैं स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत क्या है? हमारा भारत इसी तरह अधिकारियों की लापरवाही से बीमार होने को मजबूर होते रहेंगे। कब मिलेगा मोहल्ले वासियों को इस गंदगी से निजात? लोग बहुत ज्यादा हैं परेशान, तमाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कदर गंदे पानी में को लोग निकलने के लिए मजबूर है कि आप खुद वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस कदर कचरे का ढेर लगा पड़ा है। लेकिन कई मरतबा लोगों ने वहां शिकायत की और इस शिकायत के बावजूद भी मोहल्ले वासियों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसी गंदे पानी में को लोग निकलने के लिए मजबूर है। लोगों ने बताया कि इस मोहल्ले के अंदर घरों के सामने खड़ा होना भी दुश्वार है, क्योंकि उस पानी में से इस कदर बदबू मारती है कि वहां दम घुटने को तैयार हो जाता है। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट रियल इंडिया टीवी पर। उत्तर प्रदेश की सभी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।